तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम लगा रखा है चुनाव जीतने के लिए। 2 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि बंगाल की जनता का क्या मूड है। और देखिए, मतदान शुरू हुए अभी चंद मिनट ही हुए हैं और इन चंद मिनटों में ही हिंसक झड़प की कई खबरें आ चुकी हैं। खास तौर पर उत्तर 24 परगना से खबर आई है, यहाँ 3 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। बारासात, मीना खान और कामरहाटी, ये वो इलाके हैं जहां से हिंसक झड़प की खबरें हमें मिल रही हैं। बारासात में तो बीजेपी ने बूथ के 150 मीटर के दायरे में कैंप डाल दिया है और वहीं मीना खान में ISF कार्डर पर बमबाजी का आरोप लगा है। कामरहाटी से खबर ये आ रही है कि सैनिटाइजर बांटने के नाम पर कुछ लोग महिलाओं ने बूथ के बाहर जाम लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत वहां सुरक्षा दे रही CISF से की है। बंगाल में 5वें दौर का मतदान लगातार जारी है। लगातार ये बड़ी कवरेज भी आप देख रहे हैं और मतदान शुरू होते ही झड़प की खबरें भी सामने आने लगी हैं। नदिया जिले में बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बंगाल चुनाव में, चाहे लोकसभा में चुनाव हो, मतदान का दिन हो और चाहे विधानसभा हो, हिंसक झड़पों की खबरें ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। और देखिए, अभी मतदान शुरू हुए लगभग आधे घंटे का समय बीता है और तमाम जगह से हमें ये हिंसक झड़पों की खबरें मिलने लगी हैं। दूसरी तरफ कोलकाता की अगर बात करें तो वहां सॉल्ट लेक में बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से हमला हुआ है। बीजेपी ने हमले का आरोप TMC कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तो ये दो तस्वीरें, नादिया जिले में भी हिंसक झड़प। ABP News आपको रखे आगे।